हिंदी सिनेमा के अनसुने किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम प्राइम फ्लैशबैक। जय किशन काकू भाई श्रॉफ उर्फ जय की श्रॉफ ने अपनी जिंदगी के 61 बसंत पूरे कर लिए। वैसे जय की श्रॉफ का फिल्मों में आना महज एक इत्तेफाक था। वो बनना तो कुछ और चाहते थे, पर वक्त ने बना दिया जय की श्रॉफ को हिंदी फिल्मों का हीरो। अपने बचपन में हुए कुछ एक दुखद हादसों से जय की श्रॉफ ने बहुत कुछ सीखा था। अचानक एक दिन जब जय की श्रॉफ को मॉडलिंग करने का ऑफर मिला, तब जैकी ने पैसों की खातिर उसे स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे जय की श्रॉफ इस प्रोफेशन में रम गए। मॉडलिंग करते करते फिल्में भी मिल गई जय की श्रॉफ को। जैकी को सबसे पहले मौका दिया देवानंद ने फिल्म स्वामी दादा से। स्वामी दादा से जैकी के किस्मत का सितारा तो नहीं चमका, असल में हीरो फिल्म में सुभाष घई संजय दत्त को लेना चाहते थे, पर बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ को कास्ट किया, पर जैकी का नाम काफी बड़ा था, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और वो था जय किशन काकू भाई श्रॉफ। इसीलिए सुभाष घई ने बड़े नाम को जैकी के जरिए समेट दिया और तभी से जय किशन काकू भाई श्रॉफ सिर्फ जैकी श्रॉफ बन गए और लोगों के दिलों में छा गए। हीरो की कामयाबी के बाद जैकी दादा ने अब तक सैकड़ों फिल्में कर ली और आज वो जो कुछ भी हैं उसे ऊपर वाले का करम मानते हैं। फॉर मोर वीडियोस एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट।